नमस्कार किसान भाइयों, मैं गुरप्रीत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लैंड ग्रोवर पे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था महिंद्रा वाले ट्रैक्टर पे, कि हम आपको सी टाइप कल्टीवेटर की पूरी वीडियो दिखाएंगे और उसके बारे में समझाएंगे कि सी टाइप कल्टीवेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है और दूसरे कल्टीवेटर से, नॉर्मल कल्टीवेटर से वो कैसे बेहतर है। तो आइए बात करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है, कैसे है और क्या डिफरेंस है दोनों में और कैसे वो हमारे ट्रैक्टर के लिए लाभदायक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास हैं दो कल्टीवेटर, एक है सी टाइप और एक है नॉर्मल। अब ये बच्चों के खिलौने हैं, इससे हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि सी टाइप और जनरल कल्टीवेटर में क्या डिफरेंस होता है। जो जनरल कल्टीवेटर होता है, जो इसकी जो ये हल होते हैं, ये वाले जो हल हैं, ये ऐसे बिल्कुल सीधे होते हैं, सीधे। और जो सी टाइप कल्टीवेटर होता है, उसके ये जो हल हैं, ये ऐसे घुमावदार होते हैं, घुमावदार ऐसे आगे की तरफ। वो हम अभी एक फ़ोटो अटैच कर देंगे, उस फोटो में आपको दिखा देंगे कि कैसा होता है सी टाइप। अब इसमें फ़र्क क्या रहेगा, ट्रैक्टर में कैसे कम डीजल खाएगा और ज़्यादा काम करेगा, और सीधे वाले में लोड ज़्यादा क्यों लेता है और डीजल ज़्यादा क्यों लेता है, ये भी थोड़ा सा बताएंगे आपको। देखिए, जो सीधे वाला कल्टीवेटर होता है, अगर मान लीजिए कि हमारा कल्टीवेटर जा रहा है 6 इंच की गहराई, ठीक है, यहाँ तक अगर मान लेते हैं कि 6 इंच गहराई चल रहा है, तो ये जब गहराई में जाएगा तो ये पूरा एरिया जो है ना, एक ही जगह पर मतलब जमीन को खुदाई कर रहा है, ठीक है, पूरा लोड एक ही बार में हमारे ट्रैक्टर के ऊपर आ रहा है। और जो उसी के मुकाबले जो सी टाइप होता है, सी टाइप जब 6 इंच तक जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो ऐसा सीधा नहीं होता है, वो ऐसे सी टाइप होता है, तो सी टाइप वाले में क्या होगा कि वो यहाँ से खुदाई करना शुरू कर देगा और यहाँ तक ऐसे घुमा के आता है, तो यहाँ से खुदाई करना शुरू करेगा और यहाँ तक का जो एरिया है वो कवर करेगा। यानी कि जो गहरा पोर्शन है, जो वो जब ये गहराई में जाता है, तो आप इसमें से 6 इंच की जो गहराई जो ले रहा है हमारा कल्टीवेटर, ये जो है ये सादा वाला कल्टीवेटर है और ये सी टाइप है। सी टाइप वाले में देखेंगे अगर आप, तो सी टाइप वाला ये देखिए घुमा के रहे, घुमा हुआ है ये, तो ये क्या करेगा कि आधा जो है पहले जुताई, नीचे की जो गहरी गहरान की जो जुताई है, वो पहले आगे 6 इंच तक कर रहा है, 3 इंच कर रहा है, और उसके बाद में बचा हुआ जो ऊपर का मटेरियल है, ऊपर की जो मिट्टी है, उसको ये ऊपर वाली जो लेयर है उसको ये काट रहा है। यानी कि दो जगह इसका जो मिट्टी है, दो जगह डिवाइड हो गया, ठीक है जी। 3 इंच को पहले वो जुताई कर दे रहा है और बचा हुआ जो 3 इंच है उसको ये कर रहा है। और इस कल्टीवेटर में क्या हो रहा है, जो नॉर्मल कल्टीवेटर है, नॉर्मल कल्टीवेटर में 6 का 6 इंच ही ये अकेला जुताई कर रहा है, तो इस पे क्या रहेगा, यहाँ इस कल्टीवेटर पे ट्रैक्टर पर लोड कम रहेगा, क्योंकि दो जगह डिवाइड होगा, 3 इंच बाई 3 इंच, ठीक है। तो हमारे ट्रैक्टर पर जो प्रॉपर लोड पड़ रहा है, वो सिर्फ 3 इंच गहराई का ही पड़ रहा है, ना कि 6 इंच गहराई का। और इसमें क्या है, पूरा 6 इंच गहराई में जाएगा, तो पूरा 6 इंच का लोड एक ही बार ट्रैक्टर पर जा रहा है, तो उससे क्या होगा, ट्रैक्टर डीजल भी ज्यादा लेगा और काम भी कम करेगा और स्लीपेज भी ज्यादा रहेगी ट्रैक्टर में। तो इससे बचने के लिए ये सी टाइप कल्टीवेटर होता है, और सी टाइप कल्टीवेटर गहराई में जुताई करने के लिए भी बेस्ट रहता है। आशा करता हूँ आपको सारी वीडियो, जो भी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो भी समझाने का कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको खेत में चला करके पूरा एग्जाम्पल से समझाऊँगा कि कैसे क्या होता है। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं खेत में जाके चला के भी दिखाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।